मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फुलसिंह बरैया को लेकर पलटवार किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि आज बापू का जन्मदिन है, विचारों में किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फुलसिंह बरैया को लेकर पलटवार किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज बापू का जन्मदिन है, विचारों में किसी के प्रति घृणा नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि घृणा की भावना भी आना पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वह सब समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए। घृणा की राजनीति को हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। बताते चले कि कांग्रेस नेता फुलसिंह बरैया ने बेहद ही विवादीय बयान दिया है, जिसे लेकर अब बीजेपी आलोचना कर रही है। स्वर्ण अगर वर्ग के लोगों का कुत्ता अगर अनुसूचित जाति के लोग छू लेते हैं तो उस कुत्ते को अनुसूचित जाति के घर बांध आते हैं। इस बयान के बाद अब कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। वहीं इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं के सुर तेज हो गए हैं। ठीक है, गांधी सबके हैं भाई, गांधी मेरे भी है, गांधी आपके भी है, जो गांधी जी को माने और उनके रास्ते पर चले। आज गांधी जी का जन्मदिन है, विचारों में किसी के प्रति भी घृणा की भावना ये भी पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन घृणा की राजनीति को हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और इसलिए इस तरह की बातें करना ना तो तर्कसंगत है, ना न्याय संगत है और ना किसी के हित में। सर, बीजेपी की सूची कब तक? कि हमारे तो सामने ही सब पूज्य बापूजी की जयंती है। बापूजी ने सत्य और अहिंसा का मंत्र विश्व मानवता को दिया और बड़े से बड़े अन्याय का मुकाबला भी उन्होंने सत्य और अहिंसा के इन अस्त्रों से किया। सत्याग्रह, असहयोग जैसे नए अस्त्र उन्होंने अन्याय के खिलाफ दुनिया को दिए और आज दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो बापूजी के बताए हुए बापूजी के दर्शन में है। केवल एक है कि हम बापूजी को मानते हैं लेकिन बापूजी की नहीं मानते, उनकी बातें नहीं मानते, जो उन्होंने किया और जो उन्होंने कहा उस रास्ते पर हम नहीं चलते। आज भी बापूजी का बताया हुआ मार्ग भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा सकता है। इसलिए हम बापूजी को तो माने लेकिन बापूजी की भी माने, उनके बताए रास्ते पर चलें, ये संकल्प मेरे सहित सबको लेने की आवश्यकता है। आज जय जवान जय किसान का मंत्र देने वाले, कद छोटा लेकिन व्यक्तित्व बहुत बड़ा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीदेव लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। प्रधानमंत्रित्व के अल्पकाल में उन्होंने जो काम किए, देश की जैसी सेवा की, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। पूज्य बापू जी और पूज्य शास्त्री जी दोनों के चरणों में नमन, इस संकल्प के साथ कि उनके बताए मार्ग पर चलने का हम प्रयास करेंगे। अब आज पूरा आईफा की क्या जरूरत है, इस समय कोरोना फैला हुआ है, लोग संकट में हैं,
हाइफा जैसे तमाशे को मैं पसंद नहीं करता, और मुझे पता चला कि कई उद्योगपतियों से राशि वसूली गई। एक ही कंपनी से खबर आई कि 4 करोड़ रुपया उनसे ले लिए गए हाइफा के नाम में। मैंने कहा और किस किस से लिए पता करें, ये ठीक नहीं है। अगर लेना ही है तो कोरोना के लिए लो, दूसरी चीज़ों के लिए लो, आईफा नहीं होगा, आईफा के तमाशे की कोई जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, KNN न्यूज़।